नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 93 साल की हरभजन कौर अपने हाथों से बनाई बेसन की बर्फी जब चंडीगढ़ के साप्ताहिक ऑर्गेनिक मार्केट में बेचती हैं, तो मिठास का वो जायका हाथों हाथ बिक जाता है। भाभी के हाथ की जो बेसन बर्फी है वो कमाल की है। सो मैंने कहा चलो हम ये बेसन बर्फी ट्राई करते हैं, आप बनाओ और मैं ये ऑर्गेनिक मंडी में लेके जाऊंगी। तो इन्होंने फिर ये ऑर्गेनिक पूरे मटेरियल के साथ बेसन की बर्फी बनाई और मैं लेके गई और वो हाथों हाथ बिक गई। बमुश्किल 3 साल पहले उन्होंने बर्फी बेचकर अपनी जिंदगी की पहली कमाई की थी और उससे हासिल खुशियों ने उन्हें रसोई के रास्ते सुख की एक अनदेखी अनजानी डगर पर डाल दिया। हरभजन कौर अमृतसर के नजदीक तरन तारण में जन्मी थी, फिर शादी के बाद अमृतसर लुधियाना रही और करीब 10 साल पहले पति की मौत के बाद वो कुछ वक्त से अपनी बेटी के साथ चंडीगढ़ में रहने लगी। एक रोज बेटी ने यूं ही उनके दिल की थाह लेनी चाही और पूछ लिया, कोई मलाल तो नहीं है आपको, कोई चाहत तो बाकी नहीं, कहीं जाने अनजाने या कुछ करने देखने की इच्छा बाकी हो तो बताओ। जैसे वो इस सवाल का इंतजार ही कर रही थी, बस एक ही मलाल है, मैंने इतनी लंबी उम्र गुजार दी और एक पैसा भी नहीं कमाया। माँ का मन टटोलने के बाद उस बेटी ने अगला सवाल दागा, आप क्या कर सकती हो, कैसे कमाना चाहोगी वो पहला रुपया? इस सवाल का जवाब 90 साल की माँ ने जो दिया उसे दोहराते हुए बेटी का गला आज भी भर जाता है। आंखों में उतर आए सैलाब को किसी तरह संभालते हुए वो बताती हैं कि माँ ने उस रोज अपना बिजनेस प्लान बताया। मैं बेसन की बर्फी बना सकती हूँ, घर में धीमी आंच पर भुने बेसन की मेरे हाथ की बर्फी की कोई तो खरीदार मिल ही जाएगी। और यहीं से शुरू हुई उस सिलसिले की जो आज तलक बदस्तूर कायम है। नजदीकी सेक्टर 18 के ऑर्गेनिक बाजार से परिवार वालों ने संपर्क साधा और वहां से मिला 5 किलो बेसन बर्फी का पहला ऑर्डर। घर वालों ने सोचा कि माँ को तसल्ली हो गई होगी, लेकिन वो तो अब अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने की इच्छा पाल बैठी थी। देखते देखते मोहल्ले पड़ोस परिचितों तक बर्फी की शोहरत पहुंचने लगी और हरभजन कौर ऑर्डर पर अपने घर की रसोई में और कई चीजें भी बनाने लगी। वो खुद ही जुटती हैं अपने ऑर्डर निभाने, घर में काम के लिए आने वाली सहायिका या बेटियों नातनों को कुछ भी छूने या हाथ बटाने की भी छूट नहीं होती। बता दें कि जिस बेसन बर्फी के दम पर हरभजन ने इस पक्की उम्र में ये निराला सफर शुरू किया, उसे बनाना उन्होंने अपने पिता से सीखा था, यानी करीब 100 साल पुरानी रेसिपी का स्वाद आज भी जिंदा है। वहीं हरभजन कौर की नातिन को नानी के जुनून पर इतना फक्र है कि उसने बकायदा हरभजन ब्रांड नाम उनके व्यंजनों को सुझाया और एक खूबसूरत सी टैगलाइन भी सोच ली, बचपन की याद आ जाए। अब जब नानी बढ़ चली हो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, तो नातिन भी कहां पीछे रहने वाली। नातिन की शादी में भी और खास मेहमानों के लिए हलवाई की मिठाई नहीं बल्कि नानी के हाथ की बर्फी ही दी गयी। वैसे उनका इरादा किसी हल्दीराम बीकानेर वाले को मात देने, किसी दौड़ में शामिल होने या लाखों करोड़ों की कमाई करने का नहीं है। उन्हें कुछ साबित भी नहीं करना, वो तो उन छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की दास्तान है जो अक्सर हमारे सीने में कहीं अटकी रह जाती है। यहाँ तक कि जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी कहा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।